चारों ओर जाकर देख लिया, हर स्थान पर तुलसी के वान्य पौधों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रुकने का कोई लाभ नहीं, यहाँ पर ना तो कोई फलदार वृक्ष है और ना ही पीने के लिए जल। चलिए पुनः लौट चलते हैं। कान्हा शीघ्र आ जाओ। कान्हा, ये लोग यहाँ से जाने का विचार कर रहे हैं। सभी चले जाएं, इससे पूर्व कुछ करो। नारायण, अब मैं आपसे दुखी हूँ। मेरे भक्त मुझसे लूट गए हैं, वो उदास हैं। आपने वचन दिया था कि आप सब ठीक करेंगे, वृंदावन का निर्माण करेंगे, तो आप अपनी वृंदावन की लीला प्रारंभ कीजिए नारायण। हाँ हाँ नारायण। जैसी आप लोगों की इच्छा। आकाश से राग की वर्षा? ये सब क्या हो रहा है यार? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। पहले गोकुल जलकर भस्म हो गया, पर अब ये राग की वर्षा? पता नहीं यशोदा, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है कान्हा? मैंने कहा था ना दाऊ, मैया के जले हुए अंग पर लगी राख जब गोकुल की राख में मिल जाएगी, तब वो ही राख प्रेम से हमारे नए स्थान का निर्माण करेगी। वो स्थान पर मैया की भांति पवित्र प्रेम होगा, वो मैया की ममता जैसा सुंदर होगा। वही स्थान गोकुलवासियों के मांगे हुए वरदान से गोकुल से भी अधिक सुंदर और पवित्र होगा।
देखा दाऊ, मैया के घाव की राख से मिलकर गोकुल की इस राख के कारण ही ये तुलसी वन वृंदावन में परिवर्तित हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड में इससे अधिक सुंदर स्थान और कहीं नहीं होगा, और निर्मित हुए स्थान का नाम होगा वृंदावन। वृंदावन ब्रह्मांड का हृदय, संसार में जो भी श्री कृष्ण को ढूंढने निकलेगा उनके दर्शन का अभिलाषी होगा, वो एक बार वृंदावन अवश्य आएगा। कितना दिव्य और भव्य दृश्य है। कोटि कोटि धन्यवाद नारायण। अद्भुत, ये स्थान तो अत्यंत ही दिव्य है। हम यहाँ आश्रय ले सकते हैं। गोकुल के अतिरिक्त कितना शांत और सकारात्मक आभास कभी कहीं नहीं हुआ। हमारे लिए ये स्थान उचित होगा ना आर्य? हाय श्रोता, परंतु क्या यहाँ हम सब कंस से सुरक्षित रह सकते हैं? वो क्रूर कंस क्या करेगा, ये तो केवल नारायण ही जानते हैं। हमने माँ सरस्वती से प्रार्थना की थी कि हमारे गोकुल को कंस और अन्य संकटों से मुक्त रखें, किंतु सरस्वती पूजन से पूर्व ही हमारा गोकुल नष्ट हो गया। देखिए, आप सब निश्चिंत रहिए, जो हुआ सो हुआ। गोकुल के नष्ट होने का हमें भी दुख है, उसकी पीड़ा सदैव हमारे मन में रहेगी, किंतु माँ सरस्वती हमसे कभी रुष्ट नहीं हो सकती। तनिक विचार कीजिए, यदि आग लगने के समय हम सभी गोकुल में उपस्थित होते तो क्या होता? आज माँ सरस्वती की कृपा से, नारायण की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं, इतनी बड़ी आपत्ति से बच गए। और इस बात को स्वीकार करते हुए पूरी प्रसन्नता के साथ इस नए स्थान में एक नया आरंभ करने का अवसर मिला है हमें। एक ऐसा स्थान जो हमारे प्रिय गोकुल से भी कहीं अधिक सुंदर है। कंस को इस स्थान का पता लग गया तो वो इसे भी ना जला दे। दाऊ, इनसे कहिए, ये सभी व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। भविष्य में जो होगा वो होगा, परंतु अभी ये लोग भूल रहे हैं कि इन्होंने माँ सरस्वती से जो मांगा था वो उनकी नेत्रों के समक्ष है। सही कहा कान्हा, मैं अभी इन लोगों को समझाता हूँ। अभी तो हम सबको माँ सरस्वती का आभार व्यक्त करना चाहिए, उन्होंने हमें वो दिया है जो हमने उनसे मांगा था। इस बात का उत्सव मनाने के स्थान पर हम भविष्य में घटने वाली घटना को लेकर चिंतित हैं। माँ सरस्वती ने तो हमें दर्शन दिए ही नहीं।
जब उन्होंने दर्शन ही नहीं दिया तो हम सब कैसे विश्वास करें कि उनकी देन है। मैं आप सबको केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या कभी किसी ने भी किसी भी ईश्वर को व्यक्तिगत रूप में देखा है? यदि नहीं तो हम इसका अर्थ ये कहेंगे कि भगवान होते ही नहीं। बहुत बढ़िया दाऊ।